आज हम बात करेंगे अपनी काली नेक्स्ट ड्यूलबुक में इंस्टॉल करने के लिए जो हमें इसकी ISO फाइल चाहिए वो मेरे पास स्पेशली, अगर किसी बंदे को स्पेशली चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए स्पेशली ये फाइल का लिंक दूंगा जो कि एक मॉडिफाइड फाइल है जो कि आपको किसी भी काली नेक्स्ट जब इंस्टॉल करोगे इसको यूज़ करोगे आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट से जाके उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं जैसे उसकी रिपोजिटरी लिस्ट, APT और वगैरह वगैरह जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको स्पेशल एक क्लिक दूंगा जिससे आप इसकी ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हो मेरे गूगल ड्राइव से जो कि मेरी खुद की अपनी टेस्ट की हुई है, सेफ है फाइल। अगर आपको वो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना और मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अगर किसी को भाई को ज़्यादा ही जरूरत है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हम काली लिनक्स को अपने PC में कैसे इंस्टॉल करें वो भी सेफली। तो हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें 4 सॉफ्टवेयर की जरूरत चाहिए, EasyBCD एंड काली लिनक्स की जो हमारी फाइल होती है और विंडार और एक जो इसको बूट करेंगे उसके लिए Win32 डिस्क इमेज है। तो हमें जाएंगे सबसे पहले अपने PC में हम एक पेन ड्राइव इंजेक्ट करेंगे, उसको पहले फॉर्मेट कर देना पड़ेगा क्योंकि अगर तो फॉर्मेट नहीं करोगे तो बूट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसको वो कर देते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद हमें करना क्या है, सिंपली हमें जो है पेन ड्राइव है इसको बूट करना पड़ेगा और उसके लिए हम हेल्प लेंगे अपने Win32 डिस्क इमेज है। तो इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे और उसको एक्सेप्ट करके हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तो इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें इसमें सबसे पहले वो जो हमारी फाइल है काली की उसका पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे अपना वो पेन ड्राइव ज़रूर सिलेक्ट कर लेना भैया, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आप अपने किसी लोकल ड्राइव को ही यहाँ पे फॉर्मेट कर दोगे। तो ये हमारी काली की फाइल, इसको हमने सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद पेन ड्राइव को हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे राइट पे, और राइट पे क्लिक करने के बाद हमें ये वार्निंग देगा कि आपकी जो पेन ड्राइव है फॉर्मेट होगी। तो हम CMD में जाके यहाँ पे चेक करेंगे अपना डिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमारी डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो चुकी है तो हम जहाँ पे हम इसको काली को इंस्टॉल करने के उसके लिए हमें एक स्पेस चाहिए होगा जो कि हमारा काली है। अगर आपके में नहीं है तो आप इसको पार्टीशन कर लीजिएगा, वरना किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 40 GB का फ्री स्पेस ले लिया। तो इसका करने के बाद हमारी जो फाइल है वो थोड़ा टाइम ले सकती है इसको लोड करने में, और जब ये लोड हो जाए तो हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें अपने PC को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद हमें जो पेन ड्राइव बूट किया उसको अपने PC में लैपटॉप में लगा के इसको बूट ऑप्शन, जिससे आपका बूट ऑप्शन ओपन होता है हमें वो प्रेस एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। और की प्रेस करने के बाद जैसे कि हमारा यहाँ पे ये रिस्टार्ट हो रहा था, हमको बूट मैन में ले जाने के बाद अगर किसी के पास PC है तो उसमें F12 का यूज़ करें और अगर लैपटॉप है तो उसमें F9 से बूट मैन्यू आपको ओपन हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे बूट मैन्यू ओपन हो गया तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे ग्राफिकल इंस्टॉल पे, और ग्राफिकल इंस्टॉल करने के बाद ये आपके बीच में थोड़ा टाइम ले सकता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर इसको इंस्टॉल करोगे तो इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी चाहिए। अगर इसको ऑफलाइन इंस्टॉल करोगे तो आपकी कुछ टूल्स पुराने वर्जन के इंस्टॉल होंगे, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन से करोगे तो आपकी सारी काली अपडेट रहेगी। ये प्रॉब्लम काफ़ी भाइयों को आती है जिससे मेरे को कमेंट मिले हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं, स्पेशल उनके लिए वीडियो है कि आप इंटरनेट कनेक्शन ही उसको करें। मैं आपको ऑफलाइन करके दिखाऊंगा, अगर फिर भी भाइयों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम नेम दे दूँगा। और मेरे को कमेंट करते रहना भाई, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए वीडियो डालता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियो कहाँ से डालूँगा, मेरे को सपोर्ट करें। तो यहाँ पे होस्ट नेम हम इसको देते हैं लिनक्स। इसको होस्ट नेम देने के बाद डोमेन नेम को इग्नोर कर देना, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारे नेटवर्क अडैप्टर ये कॉन्फ़िगरेशन करेगा, इसके बाद यहाँ पे हमें अपना डालना पड़ेगा रूट पासवर्ड डिफ़ॉल्ट में डालता हूँ रूट, ताकि जब हम इसको इंस्टॉल करें उस टाइम हमें दिक्कत ना आए। तो इन पासवर्ड को याद रख लेना क्योंकि आपकी इनकी वजह से आपकी काली स्टार्ट होगी।
और जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे जो हमने पार्टीशन की थी उसके पार्टीशन करने पड़ेंगे काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए। ये वीडियो स्पेशल डिबूट के लिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 214 MB हमारा फ्री था, तो हमें सबसे पहले क्रिएट पार्टीशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ हमें इसको कम से कम 1 GB से ज़्यादा का बूट, स्पेशल बूट के लिए हमें पार्टीशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दूंगा इसको 2 GB बूट को, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। और कंटिन्यू करने के बाद हमें लॉजिकल चाहिए, तो हम लॉजिकल पे क्लिक करेंगे और बिगनिंग। ये पार्टीशन ध्यान से देख लेना, अगर ये हो गए तो आपकी लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो हम यहाँ पे माउंट पॉइंट पे क्लिक करके बूट फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम इसको बूट पार्टीशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे डन सेटिंग पार्टीशन पर क्लिक करके हमें कंटिन्यू करना है। और सेकंड पार्टीशन हमें देना पड़ेगा, जैसे हमारे यहाँ पे 5 नंबर पार्टीशन लॉजिकली है ये बूट के लिए, तो हमें दोबारा इस पर क्लिक करना है और क्रिएट पार्टीशन पे जाएंगे हम, क्रिएट अ न्यू पार्टीशन। और यहाँ पे हमें इसको देना पड़ेगा कम से कम 15 GB से ज़्यादा का पार्टीशन, तो मैं यहाँ पे दूंगा इसको, अब मिनिमम मतलब 15 से कम ना देना, 15 से ज़्यादा ही दे सकते हो। मैं यहाँ पे दूंगा इसको 80 GB, तो जैसे यहाँ पे 80 GB लिख कर कंटिन्यू कर देता हूँ, तो वही लॉजिकली रूटीन है। तो इसे यहाँ पे हमें इसको माउंट पॉइंट देना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा सिंपली। और इसके बाद हमें पार्टीशन करना पड़ेगा, एक हमारा बूट का हो गया, एक सिंपल हो गया। तो हमें अब देना होम को, जो कि हमारा होम मेन्यू होगा, मतलब हमारा मेन पेज होगा, तो हमें उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कम से कम इसको 20 GB से ज़्यादा का होम पार्टीशन देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दूंगा इसको 100 GB होम पार्टीशन। तो मैं आगे क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू पे और लॉजिकल बिगनिंग। तो यहाँ पे जो हमारा माउंट पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली होम पे सिलेक्ट हो गया, तो हम इसको करते हैं डन। डन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो, एक हमारा बूट हो गया, एक सिंपल हो गया, एक होम को हो गया। अब हमें देना है स्वैप एरिया, तो स्वैप एरिया को आप अपने रैम के हिसाब से पार्टीशन दे सकते हो। तो मेरी यहाँ पे रैम है 8 GB, तो मैं इसको कम से कम दूँगा 6 GB। वैसे हम 2 GB से ज़्यादा का दे सकते हैं इसको, पर 2 GB से कम ना देना, फिर आपको हैंगिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इसकी जो यूज़ है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको स्वैप एरिया, तो हम इसको स्वैप एरिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे डन सेटिंग पार्टीशन, मैं आपको बार बार कहूँगा अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन से करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी कोई डायरेक्टरी, कुछ भी रिपोजिटरी लिस्ट, कुछ भी मिसिंग नहीं होगी। और अपडेट वर्जन के सारे टूल्स आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे इनबिल्ट। तो हम यहाँ पे आप देख लो, एक बूट है, एक होम है, एक स्वैप है, एक सिंपल है। तो हम यहाँ पे इसको फिनिश पार्टीशन विद राइट चेंज टू डिस्क क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया। आप देख सकते हो पार्टीशन एक्सटेंट 4, एक्सटेंट 4, एक्सटेंट 4 एंड स्वैप एरिया। तो हमने यहाँ पे इसको 4 पार्टीशन दिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसको चेंजेस करना है नहीं करना, तो हम यस पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे पार्टीशन होने स्टार्ट हो गए, तो अब हमारा होएगा इंस्टॉल और सिस्टम। यहाँ पे आपके कुछ टाइम ले सकते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा आपके लिए। तो जैसे कि हमारे ये मांग रहा है कि हमें नेटवर्क मिरर चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम नो पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। और हमारे पैकेज मैनेजर कन्फिगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आई, तो मेरे को कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पे करना, मैसेज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोड हो चुके हैं, मैंने इसको थोड़ा वीडियो को स्किप किया। अगर हमसे पूछ रहा है कि हमें बूट लोडर यहाँ पे रिपोर्ट कराना नहीं कराना, अगर कोई वो SSD पे कर रहा है, अपनी विंडो चला रहा है, उसको हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, तो इसको यस करके यहाँ पे आगे जा सकते हैं। अगर आप एक ही हार्ड डिस्क यूज़ करें, तो उसको नो करके यहाँ पे मैन्युअली करना। मैन्युअली करने के बाद हमसे पूछे कि हमें कौन से ग्रैब बूट लोडर लोड कराना है, तो यहाँ पे मेरा है DAV SDA 5, जो कि मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा फर्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट है ऑफ 3rd हार्ड ड्राइव। तो मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने के बाद मेरी यहाँ पे टोटली सारी काली इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे पैनल पे लिखा जाए कि आपकी कंप्लीट होगी प्रोसेस, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो अब हमारा 3rd स्टेप क्या है, कि हमने ACBCD इंस्टॉल किया था, उसमें हमें एंट्री डालनी पड़ेगी लिनक्स की। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे सिस्टम रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के बाद ही हमारा विंडो पे चलेगा। तो विंडो पे चलने के बाद जब हमारी विंडो ओपन हो जाएगी, तो हमें ड्यूल बूट, अगर हम इसको ड्यूल बूट में चला रहे, तो हमें ACBCD का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिनक्स सेट करके मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ काली,
और इसको ऑटोमेटिकली लोकेट लोड पे क्लिक करके ऐड एंट्री कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड एंट्री पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं बूट मैंने एडिट पे आया तो हमारी डिफ़ॉल्ट है विंडो 10 और कल इन एप्स का मैसेज छोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी सेव सेटिंग। सेव सेटिंग करने के बाद जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, काली का और विंडो का। तो हम वहाँ पे काली को इजीली रन करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी विंडो स्टार्ट हुई। विंडो स्टार्ट होने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमें कौन सी चलानी है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे काली लिनक्स और इस पर एंटर कर देंगे और हमारी काली लिनक्स यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ। जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड भरा था वहाँ, तो मैं आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करूँगा रूट और पासवर्ड एंटर करूँगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं इसको सिंगिंग करूँगा और हमारी काली स्टार्ट हो जाएगी। जो आपने पहले पासवर्ड दिया था उसको याद रखना, वरना आपकी काली स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हो मैंने ऑफलाइन किया, ऑफलाइन मेरी काली का लेआउट ऐसे। बट आपको मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन ही करें, ऑफलाइन का लिमिट ना लें, फिर बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर इसके बाद किसी को कोई दिक्कत है तो मैं आपको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।